नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेंगलोर से लेकर मैसूर के बीच में बन रहे एक्सप्रेसवे की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे को लेकर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो अभी आई बटन के ऊपर क्लिक कर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि शॉर्ट में अगर मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो बेंगलोर से लेकर मैसूर के बीच में 117 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एग्जिस्टिंगली अगर हम लोग देखें तो बेंगलोर से लेकर मैसूर के बीच में एक 4 लेन का हाईवे जो है ये एग्जिस्ट करता है, इसको अपग्रेड कर 10 लेन का किया जा रहा है, जिसमें 6 लेन पर हमारा जो मेन एक्सप्रेसवे है वो बनाया जाएगा, साथ ही साथ में 4 हमारी जो सर्विस लेन है उनका कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में आप लोगों को ऑटो रिक्शा साथ ही साथ में बाइक्स के लिए एक सेपरेट लेन देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही साथ में हमारे जो ट्रक्स रहते हैं और बाकी जो कार रहते हैं उनके लिए सेपरेट लेन देखने के लिए मिलेगी, जहां पर जो कार ट्रक वगैरह है ये 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ईजिली चल सकते हैं, जिसकी मदद से हमारा करंटली बेंगलोर से लेकर मैसूर के बीच का जो ट्रैवल टाइम है ये ऑलमोस्ट 3 घंटे का रहता है, ये कम होकर सिर्फ 90 मिनट का रह जाएगा। अब इसकी डेडलाइन रखी गई है अक्टूबर 2022 की। वैसे तो इसकी डेडलाइन 2 साल पहले की थी, लेकिन कोविड की वेव्स और साथ ही साथ में यहाँ पर लोगों की कमी की वजह से, वर्कफोर्स की कमी की वजह से इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है, और अब इसकी जो डेडलाइन है ये अक्टूबर 2022 की रखी गई है। और हमारे नितिन गडकरी जी के अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर डेडलाइन जो है इसमें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब ये एक्सप्रेसवे जो है ये 2 फेज़ के अंदर कंप्लीट किया जा रहा है, यानी कि 2 अलग अलग फेज़ हैं इसके। पहला फेज़ जो है ये बेंगलोर से लेकर निदाघट्टा के बीच में है, और दूसरा फेज़ जो है ये निदाघट्टा से लेकर हमारा जो मैसूर है इसके बीच में बनाया जा रहा है। अब पहला फेज़ जो है इसकी कुल लंबाई 56 किलोमीटर की है, और दूसरा फेज़ जो है इसकी कुल लंबाई 61 किलोमीटर की रखी गई है। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे जो है ये 2 अलग अलग फेज़ के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा, तो फेज़ वाइज प्रोग्रेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला फेज़ जो है जो कि बेंगलोर से लेकर निदाघट्टा के बीच में बन रहा है, 56 किलोमीटर लंबा है ये, इसकी करंटली 83% प्रोग्रेस जो है ये हो चुकी है, यानी कि 83% काम यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, और इसकी डेडलाइन जो है ये अगले साल मई की, यानी कि मई 2022 की रखी गई है। साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें निदाघट्टा से लेकर मैसूर वाले सेक्शन की, तो इसका भी 78% काम जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और इसकी डेडलाइन जो है ये सितंबर 2022 की रखी गई है। तो सितंबर 2022 तक एक बार ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद में अक्टूबर को ये जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे में दोनों ही फेज के अंदर एलिवेटेड हाईवे का सेक्शन जो है ये भी आता है। तो पहला फेज यानी कि बेंगलोर से लेकर निदाघट्टा वाला सेक्शन जो है, यहाँ पर टोटल 4 ब्रिजेस जो हैं या फिर 4 एलिवेटेड हाईवे के सेक्शन जो हैं ये बनाए जा रहे हैं, जो कि आरआर मेडिकल कॉलेज से लेकर क्रिस्ट यूनिवर्सिटी के बीच में रहेंगे। इनका 85% काम जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। ब्रिज वाइज अगर हम लोग देखें तो 3 ब्रिज जो हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 4th ब्रिज के ऊपर काम चल रहा है। वहीं फेज़ 2 में निदाघट्टा से लेकर मैसूर के बीच में भी एलिवेटेड हाईवे का सेक्शन आएगा, जिसकी कुल लंबाई 3.38 किलोमीटर की रहेगी, जो कि हम लोगों को मद्दूर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसका फाउंडेशन और कास्टिंग का काम जो है ये पूरी तरह से कर लिया गया है, साथ ही साथ में सेगमेंट और विंग्स का काम जो है, यानी कि सेगमेंट और विंग्स के इरेक्शन का काम जो है ये करंटली इन प्रोग्रेस है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि निदाघट्टा से लेकर मैसूर वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर जो एलिवेटेड हाईवे वाला सेक्शन है, इसका 78% काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यही सारी अपडेट्स निकल कर आई हैं दोस्तों। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे दूसरे चैनल और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पर अब से आप लोगों को डेली top 3 इंफ्रा अपडेट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। तो इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वही साथ ही साथ में मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब दूसरा चैनल हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरीके से YouTube शॉर्ट्स के लिए, और साथ ही साथ में वही जो शॉर्ट वीडियोस हैं आप लोगों को Instagram पर रील्स की तरह देखने के लिए मिलेंगी। तो दोनों ही जगह आप लोग जाइए और फॉलो कीजिए, एक जगह मिस हो जाता है तो दूसरी जगह देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है वो, और डेली आप लोगों को 3 अपडेट्स जो हैं वो शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगी। कैसा लगा आप लोगों को ये आइडिया मुझको बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझको ज़रूर से बताइएगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।